अदायगी स्टेटमेंट में से हमने ये तलाश करना होगा कि इसमें से कौन सी वो स्टेटमेंट है जो कि फिर कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम को या प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम पहली स्टेटमेंट को समझें तो इस तरह से है कि 3:5, यानी जिसको अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ जी 3/5, ठीक है, और ये बराबर है किसके जी, इसी तरह से यहाँ पर 21:35, यानी इसको हम लिख सकते हैं 21/35 के। तो अब ये अगर दो रेशियोज जैसे हम कहते हैं बराबर हो तो ये एक हमारे पास होती है जी प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पर ये एक हमारे पास क्या आ रही है जी, प्रोपोर्शन आ रही है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है जी PROP। और फिर हम ये कहते हैं कि अगर प्रोपोर्शन है तो फिर 8:-2 जो है बराबर होगी 56:-14 के। अब ये यहाँ पर क्या बात हो रही है, ये क्या आया बराबर है या फिर 8 कैसे आ गया और -2 किस तरह से लिखा गया है, ये हम समझते हैं। देखें सबसे पहले कि हमारे पास जो 8 और -2 के अगर रेशो ली जाए तो ये 4:-1 बनती है, यानी अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए दोनों रेशोस की दोनों टर्म्स को, और इसी तरह से अगर इधर हम 14 से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देते तो ये माइनस, यानी ये बल्कि 4+4 आ जाएगा, यानी 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 56, और 14 को अगर 14 पे डिवाइड करते तो 1 आएगा और फिर साइन माइनस का, तो ये बराबर रेशियो है। इसका मतलब दुरुस्त है बात, ये बात तो कंफर्म हुई। अब हम देखते हैं कि ये 8 कैसे लिखा गया, और फिर ये डिविडेंडो और कंपोनेंडो थ्योरम, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की क्या प्रॉपर्टी है, क्या ये उसकी स्टेटमेंट है या नहीं। यानी यहाँ पर हमने ये देखा कि 8 जो है बेसिकली ये अगर हम इस रेशो में, यानी जो कि प्रोपोर्शन है, अगर मैं इसमें इसके कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट में इसके कॉन्सिक्वेंट को ऐड कर देता हूँ, यानी अगर मैं 3+5 लिखता हूँ तो ये मेरे पास 8 आ जाता है। फिर इसकी मैं रेशो ले रहा हूँ किसके साथ जी, इसी एंटीसीडेंट में से अगर इसी इसी के कॉन्सिक्वेंट को माइनस कर दिया जाए, इससे इसकी रेशियो ली जाए तो ये रेशियो बराबर हो जाती है। इसी तरह राइट साइड पे भी यही वर्क कर रहे हैं हम कि अगर इसी के एंटीसीडेंट यानी फर्स्ट टर्म में से अगर माइनस कर दिया जाए इसके कॉन्सिक्वेंट को, यानी 35 को, और फिर रेशियो ली जाए, और फिर इसी तरह से बल्कि यहाँ पे प्लस किया जाए, चूंकि यहाँ पे हमने प्लस किया था इसलिए हम पहले प्लस करेंगे और फिर रेशियो ली जाएगी इसी तरह 21-35 से, यानी एंटीसीडेंट में से कॉन्सिक्वेंट माइनस किया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये -14 आएगा जो आप, ये 56 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा, तो ये रेशियो बराबर भी है। और इस तरह से जो इस तरतीब में हमने एक रिजल्ट को लिखा, इस रिजल्ट का जो नाम होता है इसको हम कह देते हैं जी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, यानी चूंकि इसमें हम ऐड कर रहे हैं न्यूमिनेटर में, फिर डिवाइड करके जो डिनोमिनेटर है उसमें हम इनका जो है डिफरेंस ले रहे हैं, यानी डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह कंबाइन हम कहते हैं इसे कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम। जिसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर हमारे पास A:B, जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 3:5, ये बराबर हो जाए C:D के, यानी सी और डी ऐसे हैं जैसे 21:35, ये बराबर हो जाए तो फिर हम ये बात करते हैं कि देन जो हमारे पास रेशियो आएगी या फ्रैक्शन, अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा कि A+B/A-B, यानी इसको हम पढ़ेंगे रेशियो ही की शेप, रेशियो भी पढ़ सकते हैं हम। और इसी तरह से हमारे पास जो राइट साइड है इसको हम किस तरह लिखेंगे जी, C+D/C-D से, ठीक है। और यहाँ से फिर एक और बात भी हमें यहाँ से पता चल रही है कि डिवाइजर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू एक जैसी नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये बराबर हो जाए और सी और डी बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएंगे, इसलिए ये भी एक साथ में इंफॉर्मेशन हमारे जहन में रहे। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम ही की प्रॉपर्टी है। फिर इसी तरह अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को समझें तो इस तरह से है कि अगर 4:7:28:49 के बराबर, जो कि वाकई बराबर है, अगर आप देखें तो 7 4s are 28 और 7 7s are 49 बराबर बनती, यही रेशियो बन रही है। तो साथ ही ये कहा जा रहा है कि -3:11 जो है ये बराबर होगी -21:77 के। अब ये भी बिल्कुल बराबर है, यानी ये भी प्रोपोर्शन ही है। अब ये लिखी कैसे गई है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप देखें तो -3 जो है वो बेसिकली अगर आप 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -3, यानी जो प्रोपोर्शन हमें गिवन थी उस स्टेटमेंट के मुताबिक उसके एंटीसीडेंट में से उसके कॉन्सिक्वेंट को माइनस किया गया। इस तरह अगर हम 11 को देखें तो बेसिकली 11 इस तरह से आया कि अगर हम 4 में 7 ऐड कर लेते हैं, यानी अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में देख रहे हो तो 4/7 में न्यूमिरेटर 4 और डिनोमिनेटर 7 है, यानी हमने इस दफा न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया है। और इसी तरह अगर राइट साइड पे आते हैं हम तो ये 28 ओवर, अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में देखा जाए तो 28/49 लिखा हुआ है,
यानी 21 कैसे आया कि हम अगर 28 में से माइनस कर लेते हैं 49 को, यानी न्यूमिरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस किया गया और फिर रेशियो ली गई है इसी तरह। या अगर रेशियो की फॉर्म में मैं बताऊं तो मैं कहूंगा फर्स्ट टर्म में से, यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया और इसी तरह से फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म ऐड की गई है, तो ये हमारे पास 77 आ जाता है। ये रेशियोज बराबर है। तो ये भी प्रॉपर्टी बेसिकली जो है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ही की प्रॉपर्टी है, जिसको फिर हम इस शेप में इस तरह से लिख सकते हैं, यानी यही स्टेटमेंट दोबारा आएगी और फिर हम लिखेंगे देन। इस दफा हम ये बात कर रहे हैं कि ए माइनस बी जो है वो न्यूमिरेटर में लिख रहे हैं और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी लिख रहे हैं, ठीक है, एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह इस दफा हम फिर ये यहाँ पर राइट साइड पे भी ऐसे ही होगा कि सी माइनस डी जो है वो न्यूमिरेटर में आएगा और सी प्लस डी जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो इसमें हमने बेसिकली इनके इन्वर्स किए हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी को इनकी जगह आपस में बदल दी है, तो ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी हमने इस पे अप्लाई की, तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी इसी तरह आ जाती है। तो ये भी हमने साथ ही समझ लिया। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी को समझे, यानी चले मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि ये भी हमारे पास जो है स्टेटमेंट वाकई कंपोनेंडो डिविडेंडो की, जिसको जिसमें कि चूंकि डिविडेंडो प्रॉपर्टी पहले अप्लाई हो रही है कंपोनेंडो बाद में, तो मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास डिविडेंडो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, यानी हम इसको यूँ भी रीड कर सकते हैं और कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी भी रीड कर सकते हैं, बात एक ही है। इसी तरह अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर 4:5 जो बराबर हो 32:40 के, और फिर 5:4 यानी 5:4 जो है वो बराबर हो 40:30 के, 32 के, यानी इसमें भी हम बेसिकली यही कर रहे हैं कि इनको इनकी जगह बदल रहे हैं। यानी अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में देखें तो 4/5 लिखा हुआ और ये हमारे पास 32/40 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि इसको हमने 5/4 लिख दिया है और यहाँ पर हमने 40/32 लिख दिया। ये इनके जो है हमने रेसिप्रोकल्स कर ली हैं या इन्वर्स कर ली है। मैं ऐसा कहूंगा कि अगर ये इन्वर्स है तो इन्वर्टेंडो, यानी इन्वर्स से आया इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है, PROP लिख रहा हूँ उसकी शॉर्ट फॉर्म। तो ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी जो कि फिर कंपोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे ही अगर फोर्थ पार्ट को देखा जाए तो इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में देखें तो 3:7 को 3/7 कहा जा सकता है और 12:28 को हम लिख सकते हैं 12/28, जो कि बराबर है, वाकई बराबर है। आप इसको चेक करें, आप देखेंगे दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। और इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि फिर 3:12 यानी 3/12 जो है वो बराबर होगा 7/28 के, ये भी रिजल्ट बराबर है। लेकिन इसमें हमने किया क्या, क्या चेंज किया? हमने चेंज ये किया कि 7 को 12 की जगह और 12 को 7 की जगह चेंज किया, यानी कॉन्सिक्वेंस को तब्दील किया इनमें। या अगर मैं यूं कहूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं, एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर के साथ क्या किया जी, इंटरचेंज किया, यानी इन जो मीन्स है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मीन्स है मेरे पास, मीन्स की पोजिशन जो है वो आपस में बदल दी हमने। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, जो कि फिर हम अगर इधर देखें तो ये हमारे पास वो प्रॉपर्टी नहीं जो कि हमसे पूछी गई है, हमसे पूछा गया था कि कंपोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी बताएं, तो ये वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे फिर हमने ये बात समझी कि अगर जब भी हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन होंगी तो कैसे हम इस बात का अंदाजा लगाएं कि ये हमारे पास कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम की प्रॉपर्टी है या नहीं।